नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद से नदारद हैं, बिहार की जनता उन्हें देखने को तरस गई है। वो धारा 370 के हटाए जाने के बाद से ही बिल्कुल शांत हैं। अंतिम बार उन्हें पटना में 4 अगस्त को देखा गया था, उसके बाद से वो फिर से गायब हो गए हैं। बकरीद को लेकर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बिहार के लोगों को बधाइयाँ दी, पर 370 पर उनकी जो प्रतिक्रिया है उसका इंतज़ार था, तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ही 370 पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको वो ट्वीट पहले हम दिखा दें। ट्वीट कुछ घंटे पहले की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अ ट्रू डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड व्हेन पीपल आर नॉट क्लोज्ड विदाउट रीजन बाय देयर ओन गवर्नमेंट। पीपल ऑफ इंडिया हैव एवरी राइट टू नो द वेयर अबाउट ऑफ 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से वो सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं भाजपा सरकार के ऊपर, कि बिना जनमत संग्रह के अगर 370 को हटाया गया है तो यह पूरी तरह असंवैधानिक है। उनका साफ कहना है कि जब बिना लोगों से बात किए, बिना उनकी राय लिए, कश्मीरियों का राय लिया नहीं गया, उनसे राय शुमारी नहीं की गई, तो ऐसी स्थिति में आखिरकार 370 को हटाना कितना संवैधानिक है। तेजस्वी यादव मुखर तौर से तो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जनता से नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक सीधा संदेश दिया है कि वो इस बिल के ना समर्थन में है और ये जो बिल हटाया गया है इसके विरोध में है। आपको बता दें कि 6 अगस्त को जब यह बिल संसद में लाया गया था तो राजद के MP मनोज झा ने इसका खुलकर विरोध किया था। फिर भी बिहार के लोगों को इंतज़ार था कि उनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो इस पर क्या बयान देते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव भी इस बिल के, इस पूरे जो मूवमेंट हुआ, जो पूरा घटनाक्रम है, इसके खिलाफ में ही खड़े थे। धन्यवाद।